करने वाली है। अभी तक हम ये जान रहे थे कि अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन दोनों कोविड पॉजिटिव हैं और दोनों नानावटी अस्पताल में भर्ती हैं। हालांकि दोनों की सेहत में लगातार सुधार हो रहा था, लेकिन अब जो खबर आ रही है उसके मुताबिक ऐश्वर्या राय भी पॉजिटिव हैं और उनकी बेटी आराध्या भी कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। अब अगला कदम क्या होने जा रहा है, मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन का या फिर बीएमसी का? क्या आराध्या और ऐश्वर्या को भी अस्पताल में एडमिट करवाया जाएगा या फिर उनको होम आइसोलेशन में रखा जाएगा? उनकी तबियत के बारे में हम और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उनकी तबियत कैसी है। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि ऐश्वर्या राय और उनकी बेटी आराध्या दोनों कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। और इस खबर का मतलब यह है कि यह खबर अमिताभ बच्चन को भी परेशान करेगी और अभिषेक को भी परेशान करेगी। अमिताभ बच्चन जो लगातार बेहतर कर रहे थे, लगातार हमको अस्पताल से जो जानकारी मिल रही थी उनके डॉक्टर्स के जरिए, अस्पताल के पीआरओ के जरिए, कि रात में अच्छी नींद सोए अमिताभ बच्चन, सुबह उठकर उन्होंने नाश्ता भी किया और चेहरे पर किसी तरह का कोई तनाव नजर नहीं आ रहा था। लेकिन अब इस रिपोर्ट के आने के बाद थोड़ी परेशानी जरूर बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐश्वर्या राय खुद पॉजिटिव है और उनकी छोटी बेटी आराध्या जो है वो भी पॉजिटिव पाई गई है। और इसके बाद अब जो अगला कदम होगा उसके बारे में हम आपको अपडेट देंगे। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि बच्चन परिवार में अब कुल 4 लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। हालांकि श्वेता नंदा जो बेटी है अमिताभ बच्चन की, उनके परिवार के सभी लोग नेगेटिव हैं। जया बच्चन भी नेगेटिव हैं, ये एक राहत की खबर है। श्वेता नंदा के दोनों बच्चे नेगेटिव हैं, श्वेता नंदा खुद नेगेटिव हैं, लेकिन ऐश्वर्या राय बच्चन और आराध्या ये दोनों कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और ये खबर जो है वाकई परेशान करने वाली है। हमने आपको बताया कि आज किस तरह से अलग अलग, और राजेश टोपे जो महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने इसकी पुष्टि कर दी है। एक ट्वीट के जरिए उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि यह खबर सही है, ऐश्वर्या राय और आराध्या दोनों कोरोना पॉजिटिव। हमारे संवाददाता जयप्रकाश एक बार फिर हमारे साथ हैं। राजेश हमारे संवाददाता एक बार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, अब हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से भी इसको कंफर्म कर दिया गया है कि ऐश्वर्या और उनकी बेटी आराध्या दोनों पॉजिटिव हैं। क्या अब इन दोनों को अस्पताल शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है या फिर होम आइसोलेशन में ही रख करके आगे निगरानी की जाएगी? देखिए, थोड़ी देर पहले जो के वेस्ट वार्ड के असिस्टेंट म्यूनिसिपल कमिश्नर, उनसे जो बात हुई थी, उनका साफ कहना था कि घर में उनके बहुत ज्यादा जगह है और उन्हें बीएमसी के लोगों को परिवार के द्वारा दिखाया गया है कि वो वहाँ पर आइसोलेट कर सकते हैं। तो इशारा एक तरीके से वो कर रहे थे कि हो सकता है कि जो बाकी के मेंबर्स हैं उनको घर में ही आइसोलेट किया जाए, लेकिन इसके बारे में अभी तक आधिकारिक फैसला नहीं है हुसैन। लेकिन जानकारी जो इशारा कर रहे थे विश्वास मोटे, जो के वेस्ट वार्ड के हैं, वो इसी ओर इशारा कर रहे थे। और साथ ही जो दूसरे लोग भी हैं उनके घर के 28 से 30 लोग हैं, उनके बारे में भी कह रहे थे कि उनको भी होम क्वारंटाइन किया जाएगा। तो ज़्यादा उम्मीद है कि शायद घर में रखा जाए ऐश्वर्या राय और आराध्या बच्चन को, लेकिन अभी तक इसका आधिकारिक फैसला जो है वो नहीं हुआ है। नानावटी की टीम तैयार है कि अगर उन्हें यहाँ लाया जाता है, अगर बीएमसी की तरफ से फैसला लिया जाता है कि उन्हें अस्पताल में एडमिट किया जाए जैसे कि अब अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन को किया गया है, तो उसके लिए भी तैयारी जो है वो यहाँ पर शुरू कर दी गई है। लेकिन फैसला बीएमसी को लेना है, बीएमसी फैसला लेगी उसके बाद ही आगे कुछ हो पाएगा हुसैन। राजेश, रिपोर्ट को लेकर के थोड़ी उलझन सी थी, इसको अगर आप क्लियर कर सकें तो बेहतर होगा। अब 4 लोग पॉजिटिव हैं बच्चन फैमिली में, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या और आराध्या। बिल्कुल, देखिए हमने बात की थी जब विश्वास मोटे से, उनसे पूछा था कि आखिर अमिताभ बच्चन को ये कोरोना कैसे हुआ, क्या कुछ ट्रेसिंग हो पाई है। उन्होंने कहा कि अमिताभ बच्चन तो बाहर नहीं गए थे, अभिषेक बच्चन जरूर डबिंग के लिए बाहर गए थे और उसी वो हो सकता है कि वहीं से वो संक्रमण लेके आए हों। और यही वजह है कि अभिषेक बच्चन के बेहद क्लोज कॉन्टैक्ट में उनकी बेटी और उनकी पत्नी रहती हैं और यही वजह है कि उनका पॉजिटिव आया है। इस वक्त रिपोर्ट जो है वो बताया जा रहा है। सवेरे से लगातार अटकलें चल रही थी कि लैब के द्वारा, अस्पताल के द्वारा जो है वो रिपोर्ट जो है वो निगेटिव बताई गई थी, लेकिन ऐश्वर्या और आराध्या के बारे में भी कहा जा रहा था कि रिपोर्ट्स अवेटेड हैं, आधिकारिक तौर पर रिपोर्ट्स अवेटेड हैं। 2:30 बजे का वक्त
फिर से निर्धारित किया गया कि 2:30 बजे रिपोर्ट्स आएंगे, और जब रिपोर्ट आया है तो जया बच्चन तो निगेटिव है लेकिन आराध्या बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन पॉजिटिव है। अब उन्हें इस अस्पताल में आइसोलेट किया जाता है या घर में ही क्वारंटीन करेंगी वो, इस पर बीएमसी जो है वो जल्द फैसला लेगी। हुसैन, तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, ऐश्वर्या राय और उनकी बेटी आराध्या दोनों कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अभी उनको आगे किस तरह से उनका मेडिकल केयर किया जाएगा, किस तरह का ऑब्जर्वेशन में उनको रखा जाएगा, इसको लेकर तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन बहुत जल्द वो भी तस्वीर साफ होगी और उससे जुड़ा अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। राजेश, इस वक्त आप कहां खड़े हैं और नानावटी से क्या अपडेट मिल रहा है आपको? देखिए, नानावटी अस्पताल के बाहर मैं मौजूद हूँ, डॉक्टरों से बात करने की कोशिश की है, अभी कोई कुछ भी बात करने की स्थिति में नहीं है। लगातार वो अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन के बारे में जरूर हेल्थ अपडेट्स दे रहे थे कि दोनों की स्थिति बेहतर है, अमिताभ बच्चन की स्थिति भी बेहतर है, लेकिन ये नया डेवलपमेंट हुआ है और नए रिपोर्ट्स जो सामने आए उसके बाद नानावटी के डॉक्टर जरूर तैयार है, नानावटी का एडमिनिस्ट्रेशन जरूर तैयार है कि अगर परिवार के दूसरे सदस्य जो पॉजिटिव पाए गए अगर उन्हें यहाँ लाया जाता है तो उनके लिए पूरी तरीके से अस्पताल तैयार है। ये डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल है प्राइवेट, हुसैन, राज्य सरकार ने इसे घोषित किया है, ये वजह कि यहाँ सिर्फ अभी कोविड पेशेंट्स को लाया जा रहा है। राजेश, तो अगर ऐश्वर्या बच्चन मकसद ये था, राजेश इस सवाल के पीछे का मकसद ये था कि मैं ये समझना चाह रहा था कि अमिताभ बच्चन की सेहत में सुधार भी हो रहा था, जाहिर उनके पास फोन उनका अपना होगा और वो परिवार के साथ कनेक्ट भी होंगे, तो ये खबर उन तक पहुंच गई होगी कि ऐश्वर्या और उनकी पोती आराध्या दोनों पॉजिटिव हैं। बिल्कुल, उन तक ये खबर पहुंच गई होगी और क्योंकि डॉक्टरों और नर्सेस की टीम जो है उनके पास में है, उनसे बातचीत चल रही है, और कोविड पेशेंट कोई भी रहता है तो उसके पास फोन जरूर रहता है हुसैन, तो फोन के जरिए जानकारी जरूर अमिताभ बच्चन को और अभिषेक बच्चन को दोनों को दी गई होगी कि ऐश्वर्या बच्चन और आराध्या बच्चन पॉजिटिव पाए गए हैं। अब कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जो है वो चल रही थी, उसमें मैंने आपको बताया जैसे कि विश्वास मोटे का साफ कहना है कि अमिताभ बच्चन घर से बाहर नहीं निकले हैं जब से लॉकडाउन हुआ है, अभिषेक बच्चन जरूर डबिंग के लिए गए हैं और शक है कि जहां डबिंग के लिए गए हैं उस वजह से शायद कोरोना संक्रमण जो है वो घर में लेकर आए हों वो। जी हुसैन, ये बात अगर अमिताभ बच्चन को खबर हो चुकी है तो जाहिर है कि जिस तनाव का हम सुबह से जिक्र कर रहे थे कि अमिताभ बच्चन बिल्कुल तनाव मुक्त हैं, वो बहुत टेंशन फ्री नजर आ रहे हैं। हम आपको ट्वीट दिखा रहे हैं, सबसे पहले वो ट्वीट देखिए आप, राजेश टोपे का ये ट्वीट, ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी बेटी आराध्या की रिपोर्ट पॉजिटिव है और जया बच्चन की रिपोर्ट नेगेटिव है, ये महाराष्ट्र के मंत्री की तरफ से ट्वीट करके जानकारी दी गई है। ऐश्वर्या बच्चन और आराध्या की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है, जया बच्चन की रिपोर्ट नेगेटिव है, ये बात खुद उनकी तरफ से बताई गई है, उनकी तरफ से जानकारी दी गई है। जाहिर है ये खबर परेशान करने वाली है, ये खबर अमिताभ बच्चन को भी परेशान करेगी और जाहिर है कि जिस तरह की लड़ाई वो लड़ रहे थे ऐसे वक्त में ये खबर उन तक पहुंचना उनको परेशान करने वाली ही बात एक तरह से होगी, लेकिन जिस तरह का दौर है, इतने कम्युनिकेशन का दौर है, तो ये खबर उन तक ना पहुंची हो ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन अब सवाल ये है कि आराध्या और ऐश्वर्या को लेकर के अब आगे क्या फैसला किया जाएगा, उनका किस तरह से आगे ट्रीटमेंट होगा। हमारे संवाददाता ज्योता मित्रा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। ज्योता, आपके पास क्या अपडेट है इस सिलसिले में? मैं बता दूं, अभी थोड़ी देर पहले, मतलब अगर एक घंटे पहले की मैं बात करूं तो मैंने ऐश्वर्या को मैसेज किया था कि आप लोग सुरक्षित हैं, सुनकर अच्छा लग रहा है, आप सुरक्षित हैं, क्या कुछ चल रहा है, तो उन्होंने शुक्रिया कहा था। लेकिन अभी जैसे ही ये रिपोर्ट आई है, जैसे ही ये बात खबर आई है, मैंने वापस उनको संपर्क करने की कोशिश की तो फोन बंद है। तो जाहिर सी बात है, एक पैनिक का सिचुएशन तो है ही, खास तौर पर अगर बच्चे की बात है तो और ज्यादा पैनिक हो जाता है। तो इस वक्त जो है सभी जलसा में मौजूद है, तो ज्यादा चांसेस है कि वो अपनी ही गाड़ी में यहाँ से हॉस्टल की तरफ जाएंगे, क्योंकि नानावटी जो है वो बिल्कुल पास में है, उनका फैमिली डॉक्टर जो है डॉक्टर वर्दे वो भी वहां पर है, और अभिषेक और अमिताभ बच्चन दोनों ही उस अस्पताल में भर्ती है। तो आगे की प्रक्रिया जो है वो आई एम श्योर अभी बातचीत चल ही रही होगी अस्पताल और रूम्स को लेकर के, अरेंजमेंट्स को लेकर के। तो अभी कुछ देर में हम बता पाएंगे कि वो लोग यहाँ से कितने बजे निकले। ज्योता, अगर आप ये बता पाए कि महाराष्ट्र के कोविड प्रोटोकॉल के हिसाब से किसी के भी पॉजिटिव आने के बाद बीएमसी एक्टिव होती है सबसे पहले, या फिर मेडिकल जो हेल्थ मिनिस्ट्री है वो एक्टिव हो जाती है?
जहां तक हमने देखा है यहाँ पर बीएमसी, क्योंकि बीएमसी को सबसे पहले इत्तला किया जाता है और उनकी टीम जो है वो हर जगह पहुंचे। आज सुबह से मैं बता दूं हम लोग यहाँ पर मौजूद है और कई जगहों पर ये टीम जो है जहां जहां पता चल रहा है, मैं अनुपम खेर के घर के बाहर भी अभी थी, उनके ठीक साथ वाली बिल्डिंग में भी ऐसा एक केस आया है, तो तुरंत वहां पर पहुंचते हैं। तो बहुत ज्यादा वक्त लगना नहीं चाहिए, बीएमसी जो है इस प्रक्रिया में सबसे ज्यादा एक्टिव है और वो लोग सही बहुत ही एक प्रक्रिया जो है उनका बहुत ही स्मूथ चलता है। जयप्रकाश सिंह भी हमारे साथ हमारे संवाददाता मौजूद हैं, जेपी जिन्हें हम जेपी के नाम से बुलाते हैं। जेपी, आप क्या जलसा पे ही इस वक्त मौजूद हैं और वहां क्या कुछ हलचल बढ़ी है इस खबर के आने के बाद? चलिए हम जेपी के पास जाएंगे दोबारा एक बार फिर से। जोयता, आप बता रही थी कि सबसे पहले बीएमसी ही एक्टिव होती है, करीब 2:30 बजे के आसपास ये बताया जा रहा है कि रिपोर्ट आ चुकी है, तो अब इस वक्त 3 से ज्यादा का वक्त हो चुका है, 3:06 हो रहे हैं, कितने वक्त के बाद हम कुछ हलचल देखेंगे, क्या कदम उठाया जा सकता है, क्या क्योंकि घर बहुत बड़ा है जलसा, उसी में होम आइसोलेशन किया जाएगा, वहीं पर इंतजाम किया जाएगा, किस तरह से आप देख रही हैं, क्या नानावती अस्पताल में शिफ्ट किया जाएगा, क्या होता हुआ नजर आता है आपको? देखिए, डिपेंड करता है कि सिम्टम्स किस तरीके के हैं। अगर सिम्टम्स हैं तो फिर वैसे भी एहतियातन तौर पर हॉस्पिटल ही प्रेफर करेंगे, लेकिन अगर छोटे बच्चे की बात है, ऐश्वर्या माँ है, तो वो लोग अगर साथ यहाँ पर भी आइसोलेट हो सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा घर है, 4 बंगलोज हैं यहाँ पर और बहुत सारे कमरे हैं, उनको ऐसी कोई परेशानी तो नहीं आएगी। लेकिन अभी तक हम लोगों ने बीएमसी की तरफ से किसी को आते हुए देखा नहीं है, आधा घंटा बीत चुका है इस बात को। लेकिन एक बात और है कि बारिश बहुत ज्यादा तेज है और ये लो लैंड एरिया है, अभी पानी जो है, पानी का भराव जो है वो शुरू हो चुका है। मैं भी आपको रोक रहा हूँ, इस वक्त की बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, अमिताभ बच्चन के 4 बंगले सील किए जा चुके हैं, बड़ी खबर इस वक्त की आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, और ऐश्वर्या और आराध्या को लेकर क्या किया जाना है, कैसे किया जाना है, यह फैसला भी बीएमसी करेगी। प्रतीक्षा, जलसा और जो इसके अलावा 2 और बंगले हैं, जनक बंगला है, ये सारे बंगले यानी 4 बंगले सील किए जा चुके हैं कोरोना पॉजिटिव केस आने के बाद। हमारे संवाददाता राजीव कुमार भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, राजीव आपके पास क्या अपडेट है? देखिए, अभी अंधेरी के वे स्क्वाड के असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर जो है मिस्टर मोटे, उन्होंने इस खबर की पुष्टि की है कि ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी बेटी आराध्या, इनकी भी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है और हो सकता है कि अभी इन्हें भी अस्पताल में भर्ती करना पड़े। हालांकि सिम्टोमेटिक है इस बात की पुख्ता जानकारी उन्होंने नहीं दी, लेकिन इस बात की कंफर्मेशन जरूर दी है, उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बच्चन परिवार के लिए कहीं ना कहीं अब ये एक और दुख की घड़ी है, क्योंकि कल अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, उसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा और उसके बाद में अब ऐश्वर्या बच्चन और आराध्या जिनके जो कि अभी छोटी बच्ची है, उनकी भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं उनके प्रशंसकों के लिए, बच्चन परिवार के लिए जो लोग चिंतित हैं, जो लगातार उनके लिए दुआएं कर रहे हैं, उनके लिए एक निराशाजनक खबर जरूर है। लेकिन राज्य के स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से इस बारे में जानकारी दी गई है, उनका कहना है कि उनके जल्द स्वास्थ्य लाभ के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। और जया बच्चन को लेकर भी एक खबर आई कि उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई है, एक राहत बड़ी खबर है बच्चन परिवार के लिहाज से, क्योंकि जया बच्चन की रिपोर्ट निगेटिव आई है। इसके अलावा जो 4 बंगले थे बच्चन परिवार के, जो कि 4 बंगले आसपास में ही है जुहू के लगभग 500 मीटर के दायरे में, उन 4 बंगलों को सील कर दिया गया है और जो होम क्वारंटाइन होना है जिन लोगों का इस बंगले में आना जाना था बच्चन परिवार के साथ में, जो परिवार के नजदीकी लोग थे, उनको उन्हीं बंगलों में क्वारंटाइन किया जाएगा। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यह है कि 4 ही बंगलों को अब कंटेनमेंट जोन घोषित करने के बाद में वहां कंटेनमेंट का बैनर सुबह लगाया गया था और अब इन बंगलों को सील कर दिया गया है। ठीक है जोयता, अगर आप बता सकें, आराध्या चूंकि पॉजिटिव आ चुकी हैं, आराध्या पोती हैं जया बच्चन की, अमिताभ बच्चन की, और जाहिर सी बात है वो सबकी दुलारी भी होंगी, तो अगर आप ये बता पाए कि इस वक्त आराध्या जलसे में है, ऐश्वर्या भी जलसा में ही है, तो जो दादी हैं यानी जया बच्चन और जो श्वेता नंदा हैं अमिताभ बच्चन की बेटी, उनके बच्चे, ये सब लोग क्या साथ में ही हैं या अलग अलग घरों में हैं?
देखिए, पूरा का पूरा परिवार जो है वो यहाँ जलसा में ही होता है, क्योंकि प्रतीक्षा जो बंगला है वो अमिताभ बच्चन अपने वो प्राइवेट एक में रहना पसंद करते हैं, वहां पर उनका स्टडी है। तो अमिताभ बच्चन जब होते हैं तो वो प्रतीक्षा में ज्यादातर होते हैं, लेकिन बाकी का जो पूरा परिवार है वो जलसा में ही होता है। बहुत बड़ा घर है, बहुत ज्यादा स्पेस है यहाँ पर, और अगर हमने अगर हम थोड़ा सा रिवाइंड करें अपने अपनी सोच को, तो अगर जब थाली बजाने की बात आई थी तब भी पूरा का पूरा परिवार जो है डॉक्टर हमारे प्रधानमंत्री के कहने पर इसी जलसे में ही छत पर खड़े होकर के पूरा परिवार जो है वो इस बात को आह्वान कर रहे थे और देश का साथ दे रहे थे। तो कुछ भी होता है तो ये पूरा का पूरा परिवार जो है वो हमेशा यहीं पर होता है। तो इस वक्त भी पूरा परिवार जलसा में ही मौजूद है, और जैसा कि हमने बताया है सुबह से भी कि ये चारों चार बंगला है बिल्कुल जलसा के साथ ही वात्सल्य है। ज्योता, जो आप बता रही है ये बात जो है और चिंताजनक है, राजेश अगर आप बता सकें, क्योंकि छोटी सी आराध्या है वो दादी के बहुत करीब होगी, वो अपनी बुआ के बहुत करीब होगी, ये और बात है कि जया बच्चन की रिपोर्ट नेगेटिव है, श्वेता नंदा की रिपोर्ट नेगेटिव है, उनके बच्चों की रिपोर्ट नेगेटिव है, लेकिन ये सब के सब सस्पेक्टेड जरूर हैं। क्या ये भी इस बात पर गौर किया जा रहा है कि एक बार फिर से कोविड टेस्ट करवाया जाए या दो चार दिन के बाद करवाया जा सकता है? देखिए, अभी बहुत जल्दी होगा हुसैन, क्योंकि कोविड टेस्ट होने के बाद एक प्रोटोकॉल है, तकरीबन 4 से 5 दिन बाद जो है वो दूसरा टेस्ट होता है। और अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन के मामले में भी यही म्यूनिसिपल कमिश्नर ने बताया था, और इस मामले में भी यही होगा। अभी जब उनका टेस्ट पॉजिटिव आया तो कम से कम उन्हें 5 दिन जो है वो आइसोलेशन या क्वारंटीन में रखेगी बीएमसी, और उसके बाद ही जो है उनका दोबारा टेस्ट होगा। और आप ज्योता से जो सवाल पूछ रहे थे कि आखिर एसओपी क्या है, एसओपी यही है, सबसे जो जिस लैब में अस्पताल में टेस्टिंग होती है वो तुरंत उस शख्स को भी जानकारी देता है और बीएमसी को भी इसकी जानकारी देता है, आधार कार्ड नंबर के साथ, एड्रेस के साथ, कि इस शख्स का रिपोर्ट पॉजिटिव आया है। फिर आगे की कार्रवाई जो है वो बीएमसी करती है, बीएमसी डिसाइड करती है कि सिम्टम कितने ज्यादा है, अब सिम्टम बिल्कुल नहीं है, उस हिसाब से डिसाइड किया जाता है, फैसला लिया जाता है कि इन्हें इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रखना है या होम क्वारंटीन में रखना है, इन्हें अस्पताल ले जाकर आइसोलेट करना है या घर में ही इन्हें क्वारंटीन करना। तो बीएमसी के लिए ये फैसला बीएमसी को ये फैसला करना है। और जो वेस्ट वार्ड के अधिकारी घर के अंदर हो के आए, उनका साफ कहना है घर में जगह बहुत है, बहुत ज्यादा जगह है, परिवार में जगह से हम ज्योता के पास चलते हैं। ज्योता, मुझे बताया जा रहा आपके पास कोई और अपडेट है, प्लीज बताएं। ज्योता, आप मुझे सुन पा रही हैं? चलो या इधर इसका इस्तेमाल करते ना। ज्योता तक मेरी आवाज नहीं जा रही, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, बच्चन परिवार के दो और लोग जया बच्चन नेगेटिव आई हैं, लेकिन ऐश्वर्या बच्चन और पोती आराध्या ये दोनों पॉजिटिव आए हैं। ज्योता, और कोई खबर मिल रही है आपको इस सिलसिले में? जी, आप आवाज थोड़ी नहीं, इस वक्त कोई खबर घर के परिवार से या दोस्तों से अभी तक कोई खबर हमें नहीं मिल पाई है। जो खबर जो आ रही है वो ट्वीट के जरिए हमें पता चली है ये बात, और घर का जो माहौल है वो थोड़ा शांत ही नजर आ रहा है। पहले जो कर्मचारी थे, जो अंदर के लोग हैं, मैं भी पीछे बात कर रही थी, वो कह रहे थे कि हम यही रहते हैं, तो वो उनके टेस्ट जो है वो नेगेटिव आए हैं जो जनक में रह रहे हैं, पर उनके अंदर एक डर जरूर है। वो बार बार पूछ भी रहे थे कि क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या होता है, अगर हो गया तो क्या होगा। तो एक डर का माहौल तो बना हुआ है, क्योंकि पूरा का पूरा एरिया कंटेनमेंट जोन में आ गया। तो अभी चिंता की बात इतनी है कि अगर श्वेता और जया बच्चन और जो उनका बेटा है अगस्त, सभी इस घर में मौजूद है, तो वो किस तरीके से अब जो उनका प्लान ऑफ एक्शन है, किस तरीके से रहेंगे या फिर सेल्फ क्वारंटाइन करेंगे, तो ये अब हम लोग आगे का जो अपडेट है वो धीरे धीरे हम लोग सामने लेकर आएंगे। बिल्कुल, तो बड़ी खबर इस वक्त की ये है कि ऐश्वर्या राय बच्चन और आराध्या इन दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है। मतलब ये कि पहले अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन ये दोनों कोविड पॉजिटिव थे, दोनों नानावती अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन अब खबर ये भी है कि ऐश्वर्या राय और उनकी बेटी आराध्या ये दोनों कोविड पॉजिटिव आए हैं। लेकिन एक राहत की खबर साथ में ये भी है कि जया बच्चन नेगेटिव है, श्वेता नंदा जो अमिताभ बच्चन की बेटी है वो नेगेटिव है, उनके बच्चों की रिपोर्ट नेगेटिव है। लेकिन आराध्या का पॉजिटिव होना और लोगों को सस्पेक्ट जरूर बनाता है, क्योंकि आराध्या छोटी है और वो सबके करीब होगी।
एक बार फिर से हमारे साथ जयप्रकाश जुड़ चुके हैं। जयप्रकाश, जलसा के आसपास क्या कुछ हलचल इस वक्त बढ़ी है जब से ये रिपोर्ट पॉजिटिव आने की खबर आई है? हुसैन, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है, प्लीज। जी जी, देखिए हुसैन, अभी तक जलसा के अंदर से या जलसा के बाहर कोई हलचल बढ़ी नहीं है। इतना जरूर हुआ है कि एक नया इनपुट आया है कि ऐश्वर्या राय बच्चन और आराध्या जो है उनकी जो बेटी है वो पॉजिटिव आई है। इस नए इनपुट के बाद अब दो सवाल सबसे बड़े हैं। पहला सवाल कि क्या इनको होम आइसोलेशन में रखा जाएगा, क्योंकि ये जो घर है जलसा, ये बहुत बड़ा बंगला है, अंदर कई रूम्स हैं, कई कमरे हैं, और यहाँ पर उनको होम आइसोलेशन में रखा जा सकता है। लेकिन अगर सिम्टम्स ज्यादा होंगे, अगर सिम्टम्स बिटिया में या फिर ऐश्वर्या में ज्यादा होंगे, तो निश्चित तौर पे इन्हें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, बेड की जरूरत पड़ेगी, और ऐसे में इनको अस्पताल में शिफ्ट करने का निर्णय बीएमसी ले सकती है। लेकिन बीएमसी जो भी निर्णय लेगी उसके लिए परिवार की रजामंदी बहुत जरूरी है, और जो गाइडलाइन है आईसीएमआर की, उस गाइडलाइन के मुताबिक बीएमसी को कॉल लेना होगा। तो अब यह बीएमसी तय कर रही होगी कि उनके परिवार को होम आइसोलेशन में रखा जाए जो पॉजिटिव आए हैं, या फिर अस्पताल में शिफ्ट किया जाए, और अगर अस्पताल में शिफ्ट किया जाए तो कौन से अस्पताल में शिफ्ट किया जाए, क्योंकि नजदीकी अस्पताल नानावटी है और उसके बाद कोकिलाबेन अस्पताल है। जी हुसैन, तो जयप्रकाश बता रहे हैं कि अभी कोई हलचल जलसा के आसपास नहीं नजर आ रही, लेकिन कुछ ही वक्त में बीएमसी की टीम वहां पहुंच सकती है। एक बार फिर से हम ज्योता के पास ही चल रहे हैं। ज्योता, ये बात अभी बहुत मुश्किल हो रही है इस बात को समझने में कि अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो क्या घर में दोनों को इन्फॉर्मेशन दे करके दोनों को आइसोलेट कर दिया जा चुका है, क्योंकि बीएमसी की टीम अभी तक पहुंची नहीं है। बच्ची छोटी है आराध्या, ऐश्वर्या और आराध्या को दोनों को अभी से आइसोलेट किया जा चुका है, या अभी वो खबर अंदर ठीक से अंदर पहुंची नहीं, चूंकि बीएमसी का कोई अभी कर्मचारी वहां तक गया नहीं है, लेकिन फोन के जरिए मेरा ख्याल इन्फॉर्मेशन जा चुकी होगी और उनसे कहा गया होगा कि आप परिवार के दूसरे लोगों से अलग खुद को आइसोलेट कर लें? खबर तो उन तक बिल्कुल जा चुकी होगी और उन्हें पता भी होगा कि ऐसा कुछ हुआ है, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेंटली भी आप प्रिपेयर हो जाते हैं जब घर पे दो ऐसे लोग जो ऑलरेडी हॉस्पिटलाइज हैं, और कई केसेस हमने देखे हैं कि पहला नेगेटिव आता है फिर पॉजिटिव आ जाता है, तो एंटीजन टेस्ट में वो उनका पता नहीं चला था, उसमें वो नेगेटिव साबित हुए थे, और अब जो प्रॉपर कोरोना टेस्ट में उनका पॉजिटिव आया है, तो कहीं ना कहीं मेंटली वो प्रिपेयर जरूर हैं। लेकिन बार बार वही सवाल है कि छोटा बच्चा है, बच्चे को लेकर के एक भावना जरूर होती है, क्योंकि उसे समझ नहीं आएगा कि ये डिस्टेंसिंग जो है किस तरीके से दूर रहना है। अभी दादा दादी के इतने करीब है, स्पेशली वो अमित जी के साथ बहुत ज्यादा वो बैठती थी, और कई बार अमित जी ने ये शेयर किया है कि वो अपना खाली वक्त जो है वो अपने वो आराध्या के साथ बिताते हैं, तो वो इस बात को लेकर के भी टेंस होगी। छोटी सी बच्ची है, उसके मन में वो चल ही रहा होगा, साथ में अगर उसे ये भी पता चलता है कि उसे भी पॉजिटिव है, तो ये एक साइकोलॉजिकल जो इफेक्ट है वो तो है ही, मगर साथ साथ ये भी है कि सुविधाएं बहुत है, बड़ा घर है, उन्होंने अपना अरेंजमेंट जरूर एक बेसिक अरेंजमेंट तो करके रखा ही होगा, इतना हम कह सकते हैं। ज्योता, अगर मुमकिन हो इस बारे में आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश कर रही हूं कि अमिताभ बच्चन की तरफ से क्या किसी रिएक्शन की उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि हम दोपहर में ये भी सुन रहे थे कि जिस तरह से उनकी तबीयत में सुधार हो रहा है, वो अपने चाहने वालों के लिए ट्वीट के जरिए कोई पैगाम दे सकते हैं, कोई मैसेज उनकी तरफ से आ सकता है, लेकिन अब जो खबर है वो बहुत परेशान करने वाली है, तो क्या ऐसी कोई कोशिश आप लोगों की तरफ से हो रही है कि अमिताभ बच्चन साहब की तरफ से कोई रिएक्शन मिल सके? जी, हम उन्हें संपर्क करने की जरूर कोशिश करेंगे, हमने उन्हें नहीं किया है अब तक क्योंकि वो ऑलरेडी हॉस्पिटल में है, और डॉक्टर से हमने बात की थी तो उन्होंने बताया था कि चीजें बिल्कुल स्टेबल हैं, दोनों ही मतलब दे बोथ आर डूइंग वेल, तो अब जो ये खबर आई है तो जाहिर सी बात है वो भी चिंता में होंगे, क्योंकि घर के और सदस्यों को जब ये परेशानी हो जाती है तो वो सबसे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, कैप्टन ऑफ द शिप हैं, तो उनके जहन में ये चिंता जरूर होगी, तो कोई ना कोई ट्वीट के जरिए या कुछ ना कुछ मैसेज उनका शायद आ भी जाए, क्योंकि वो लिखते हैं, वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं लिख करके, तो हो सकता है कि वो ये भी करें, या उन्होंने पर्सनली शायद उन्होंने किया भी होगा, बात भी की होगी, क्योंकि वो उनका तो अपना आइसोलेशन वार्ड में वो है, वो बात कर सकते हैं, लगातार वो संपर्क में भी रहे होंगे अपने परिवार के साथ,
तो वो सपोर्ट और वो साथ तो है ही, बट अभी तक फैंस के लिए उन्होंने कुछ नहीं लिखा है और अपनी भावनाएं जो है वो सोशल मीडिया पे पब्लिकली अभी तक कुछ उन्होंने नहीं बताया है। बिल्कुल, एक बार फिर से जयप्रकाश के पास चलते हैं, जेपी के पास हम दोबारा चलेंगे, लेकिन राजेश कुमार जो इस वक्त नानावती अस्पताल के ठीक बाहर खड़े हैं। राजेश, हम मेडिकल बुलेटिन की भी उम्मीद कर रहे थे कि अस्पताल की तरफ से अमिताभ बच्चन को लेकर के जो मेडिकल बुलेटिन आएगा, लेकिन अब इस तनाव के बाद वहां से किस तरह की खबरें आपको मिल पा रही हैं कि जब उनको ये खबर मिली है कि उनकी पोती जो आराध्या है छोटी सी उसको कोरोना हो चुका है, उनकी बहू को कोरोना हो चुका है, अब वो कैसा फील कर रहे हैं, अब उनकी तबीयत कैसी है, इस खबर के मिलने के बाद कुछ इनपुट मिला आपको अंदर से? देखिए, फिलहाल अस्पताल की तरफ से बहुत ज्यादा बात नहीं किया जा रहा है हुसैन, क्योंकि अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन दोनों यहाँ पे एडमिट हैं और दोनों के बारे में सवेरे से कहा जा रहा था कि स्थिति उनकी बेहतर है, और खास करके अमिताभ बच्चन के बारे में कहा जा रहा है कि स्थिति काफी बेहतर थी उनकी, लेकिन अब ये जब खबर आई है और उन तक ये खबर जब पहुंची होगी तब उनकी क्या स्थिति होगी, यही वजह है कि अस्पताल प्रशासन फिलहाल बात नहीं करना चाह रहा। हमने बार बार उनसे पूछने की कोशिश, उनका कहना है कि अमिताभ बच्चन या अभिषेक बच्चन खुद ट्वीट कर अपने हेल्थ के बारे में और अपने परिवार के बारे में जानकारी देंगे, तो फिलहाल अस्पताल प्रशासन कह रहा है कि बीएमसी की तरफ से जो भी उनको आदेश आएगा अगर यहां पर इंतजार करते हैं। एक बार फिर से जेपी का रुख करते हैं। जेपी, आपने कोई संपर्क करने की कोशिश की बीएमसी के लोगों से? देखिए, बीएमसी के वार्ड ऑफिसर जो मिस्टर मोटे हैं, के वेस्ट वार्ड के जो असिस्टेंट म्यूनिसिपल कमिश्नर हैं, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने ये जो कंफर्म रिपोर्ट है ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी जो बिटिया हैं आराध्या, उनके बारे में दी। उन्होंने ये भी कहा कि परिवार से बात चालू है, जैसे ही परिवार से बात कंफर्म होती है हम आपको अपडेट करेंगे कि आइसोलेशन, होम आइसोलेशन में रखना है, क्वारंटीन करके रखना है, या फिर इन्हें अस्पताल में ले जाने की जरूरत है। क्योंकि मैं आपको बताऊं हुसैन, देखिए ऑक्सीजन लेवल अगर कम होती है शरीर में और ऑक्सीजन बेड की जरूरत पड़ती है, ऐसे में अस्पताल में जो कोरोना जो पॉजिटिव मरीज हैं उनको ले जाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। लेकिन यहां पर दो महत्वपूर्ण चीजें हैं। पहली बात यह है कि जो बिटिया है आराध्या, उसकी उम्र बहुत कम है, ऐसे में उनके सेहत का ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऐसे में आराध्या के लिए क्या आइसोलेशन जो ऑक्सीजन बेड है, उम्र कम है और उसे समझाना बहुत मुश्किल है कि सोशल डिस्टेंसिंग, आइसोलेशन, क्वारंटीन जैसी चीजें क्या होती है। जो बेटी, जो बच्ची अपने दादी के बहुत करीब हो, अपने दादा के बहुत करीब हो, उसे ये सारी बातें समझाना बहुत मुश्किल है, इसलिए ये बात बहुत परेशान करने वाली है। हमारे तमाम संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की यह है कि ऐश्वर्या राय और आराध्या, इन दोनों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हम इसी बड़ी खबर पर बने हुए हैं, लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही तो है, गुजर जाएगा, गुजर जाएगा।